My name is Nathik. I study in third class. I study in Nenmal Public School. My name is Chaya. Lakshmi. My name is Raj. बात सुनो मैडम, जे यारा खातिर कड़ी टेटे करी से ना, तो तेरे भी टेक दांगे ये यार से सार जर को ना, जो तेरे पीछे फेंक दांगे लाटा लाले, राम राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जनता शो में। आज है 6 अक्टूबर यानी कि अष्टमी का दिन और इस वक्त है हम ओमैक सिटी रोहतक में और आप देख पा रहे हैं हमारे पीछे जैसे कि आरएचए की पूरी टीम है और यहाँ इनसे पूछते हैं कि आज ये किस लिए इकट्ठा हुए हैं। तो दोस्तों इस वक्त हमारे साथ है आरएचए की पूरी टीम, तो बात करते हैं इनसे, इनके ग्रुप के बारे में पूछते हैं। तो मैम आपका नाम? मेरा नाम रेनू है। तो आप बताएंगे हमारे दर्शकों को कि आज यहाँ हम किस लिए इकट्ठे हुए हैं? आज अष्टमी के उपलक्ष्य में बच्चों को भंडारा किया इन्होंने आरएचए ने। ओके। सबने मील्स कंट्रीब्यूट करके बच्चों को खाना दिया। ओके, सबसे पहले हमें आरएचए के बारे में बताओ थोड़ा बहुत, मतलब आरएचए क्या है? आरएचए का मेन मोटिव ये है कि वो बचा हुआ खाना जो भी कहीं से हो वो कलेक्ट करके इन बच्चों में बांटता है और उसको खाने को वेस्ट होने से बचाता है। ओके। तो नेक्स्ट स्टेप आरएचए का एजुकेशन का है जो इन बच्चों को स्कूल में डाल रहे हैं और पढ़ा रहे हैं सैटरडे संडे। ओके। तो आपका नाम? आशु। कितने टाइम से आ रहे हैं आप यहाँ पर? मैं 1 साल हो गया मुझे यहाँ पे। ओके, मतलब आपको कुछ इम्पैक्ट दिखाई दिया इन स्टूडेंट्स में जो आप कर रहे? हाँ, इम्पैक्ट दिखा देता। अभी जैसे हम एजुकेशन ड्राइव कर रहे हैं तो बोलना सीख रहे हैं, नाम लिखना सीख रहे हैं और अभी मैनर्स आ रहे हैं। जैसे पहले बच्चे हाथ नहीं धोते थे, हम आदत डाल रहे हैं हाथ धोने की, तो वो दिखता है, हमें भी इम्पैक्ट दिखता है। सारी वो बेसिक मैनर्स सिखाई जा रही है जो हमें है और बच्चों को देनी चाहिए। मैम आपका नाम? संतोष सचदेवा। ओके, आप कितने टाइम से आ रहे हैं यहाँ पर? 3 मंथ से। आपने क्या चीज़ एक्सपीरियंस करी, सबसे अच्छा क्या लगता है आपको यहाँ पर? यही है, बच्चों के साथ अपनापन नज़र आता है। ओके। और कुछ गुड हैबिट्स इनकी? बिल्कुल। तो आपका नाम है? मैं सुनीता चौहान। आप रोहतक से हैं, कितने टाइम से आ रहे हैं? मुझे ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया। ओके, तो कुछ बताइए यहाँ के बारे में, मतलब कि कैसे, मतलब इसके अंदर पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपने क्रिएट किया? पॉजिटिव वाइब्रेशंस तो है कि जब हम यहाँ स्टार्टिंग में आए थे तो ये लोग बच्चे जो हैं नंगे पांव आते थे, चप्पल भी डालकर नहीं आते थे, सबके नेल्स वगैरह जो इतने अनटाइडी वगैरह होते थे, तो हमारी जो रेनू मैम है ये हमेशा अपने पर्स में नेल कटर लेकर आती हैं। अभी भी आप चेक कर लो, इनके पर्स में नेल कटर मिलेगा और एक एक बच्चे के नेल्स साफ करते हैं। यहाँ पर अलग अलग ड्राइव्स हुई हैं, एक बार तो सिर्फ नेल्स काटने की ड्राइव और एक बार जो है वुमेंस एम्पावरमेंट के लिए हमने जो है उनको बेसिक जो नीड्स होती हैं उस पर पूरी ड्राइव की, जिस पर एक डॉक्टर जो है उनको भी बुलाया गया था स्पेशल। उन्होंने आकर बच्चों को किस तरह से हाथ साफ करने हैं और वुमेंस के लिए अलग से उनको बताया कि किस तरह से सैनिटरी पैड्स वगैरह यूज़ करना है, और हम लोगों ने सैनिटरी पैड्स वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूट किए थे और छोटे छोटे बच्चों के लिए टूथपेस्ट टूथब्रश इस तरह से सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो अलग अलग ओकेज़न पर जो है इन बच्चों को टीच करने के लिए अलग अलग तरह की ड्राइव्स यहाँ पर की जाती हैं। और अभी आपने देखा होगा कि बच्चे जो हैं ऐसे ऐसे वर्ड्स इंग्लिश के यूज़ कर रहे थे जिसको देखकर मेरी बेटी बोल रही थी कि लग रहा है कि मम्मा कि आप लोग वाकई इनको एजुकेट करते हो। आपका नाम? गौरव गिरोत्रा। ओके, कितने टाइम से कर रहे हैं आप यहाँ पर? मेरे को 8 महीने हो गए।
मेरे को मतलब जब से स्टार्टिंग हुआ मतलब 14 महीने। तो क्या मोटिव रहता है यहाँ का मतलब आरएचए का? हमारे आरएचए का मोटिव ये रहता है कि कोई भी बच्चा भूखा ना सोए, कोई भी मतलब जितनी भी स्लम है जो कि झोपड़ी है वहाँ पे कोई भूखा ना सोए, हमारा यही रहता है मोटिव कि कोई एक्स्ट्रा फूड मिल जाए कहीं शादी पे कहीं भी तो हमें कोई कॉल करे तो हम उनको वहाँ जाते हैं, अब खुद ही कंटेनर लेके जाएंगे, सब हमारा ही होगा, खुद लेंगे, खुद वहाँ मतलब जितनी भी स्लम होगी वहाँ डिस्ट्रीब्यूट। टोटल वॉलंटियर्स कितने रोहतक में? रोहतक में 350 है टोटल। 350 अगर किसी को मतलब किसी के पास फूड है तो उसको कॉल करना हो तो कैसे कर सकता है, मतलब कोई नंबर होगा आपका? हाँ जी बिल्कुल है, 9306565394। मेरा नाम धवल है। कपिल सचदेवा। तो कितने टाइम से कर रहे हैं आप यहाँ पे? हमें साल से ज़्यादा हो चुका है यहाँ पे रोहतक में चैप्टर स्टार्ट किए हुए और यहाँ पर हमने काफ़ी लोगों को खाना डिस्ट्रीब्यूट किया है। जो रॉबिन हुड आर्मी का मेन मोटिव है वो है कि खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए। सबसे पहला काम तो यही है कि भूख कैसे मिटाई जाए, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो भूखे सोते हैं रात को, उनको अपना 3 टाइम का खाना भी नहीं मिलता है। और दूसरी जगह पे ऐसा होता है कि खाना काफ़ी वेस्ट भी हो रहा है, रेस्टोरेंट्स के अंदर खाना बनता है और वो इतना ज़्यादा ऐसे ही नालियों में बहा दिया जाता है। तो आरएचए का मेन मोटिव यही है कि हम उस वेस्ट होने वाले खाने को बचाकर इन लोगों को खाना दें ताकि वो वेस्ट भी ना हो और इनका पेट भी भर जाए। तो आप ये सब मैनेज कैसे करते हैं, मतलब कि एकदम मैनेज ऐसे होता है कि काफ़ी लोगों को रोहतक में, जैसे हमें 1 साल हो चुका है अब और काफ़ी लोगों को पता है रॉबिन हुड आर्मी के बारे में, हमारा मोटिव पता है और हमारी वॉलंटियर्स की टीम इतनी बड़ी हो चुकी है आज की डेट में कि हमें कहीं ना कहीं से जो एडॉक्स होते हैं जहाँ पे सरप्लस फूड बचता है तो कहीं ना कहीं से हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ जाती है। लाइक कैटरर्स वाले बहुत सारे जानकार हो गए हैं हमारे आज की डेट में, रेस्टोरेंट्स वाले बहुत जानकार हैं और ऐसा होता है कि वॉलंटियर्स के नॉन में कोई ना कोई ऐसा होता है कि जो उनका व्हाट्सएप स्टेटस जो लगाते हैं तो वो दिख जाता है, तो उसके थ्रू वो हमें कॉल करते हैं और हमारी वॉलंटियर्स की टीम या जो एक्टिव मेंबर्स की टीम है वो वहाँ पे पिकअप करते हैं उस फूड को और फिर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अकॉर्डिंग टू कि कितना फूड है और कौन से स्लम में जाकर वो पूरा हो जाएगा। ओके, रोहतक में तो कितना स्लम्स होंगे जो आप जहाँ आप सर्विस दे रहे हैं? उसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली अभी तक हमने जो स्काउट किए हैं 9 to 10 स्लम्स हैं जो हम रेगुलर कवर कर रहे हैं। अगर कोई न्यू मतलब वॉलंटियर ज्वाइन करना चाहता हो तो वो कैसे कर सकता है? न्यू वॉलंटियर को ज्वाइन करने के लिए आप या तो www.robinhoodarmy.com पे क्लिक करें और अपना सारा इन्फॉर्मेशन भरें और ज्वाइन हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप भी इनका ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इनकी एक वेबसाइट है रॉबिन हुड आर्मी, आप वहाँ विजिट करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अगर आपको आरएचए रोहतक में ज्वाइन करना है तो आप हमारा ऑफिसियल नंबर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कोई भी क्वेरी हो 9306565394। कुछ मैसेज देना चाहोगे हमारे यूथ को? हम लोग कहेंगे जितने ज़्यादा जने इस चीज़ के साथ जुड़ सके वो बहुत अच्छा है। हमने स्टार्ट बहुत कम से किया था, बहुत सारे वॉलंटियर आ चुके हैं तो हम चाहेंगे हर यूथ आए और ये मोटिव पूरा करे। थैंक यू। तुम्हारा कुछ मतलब वो भी है क्या, जयकारा लगाते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भैया थोड़ा उधर बैठे, अरे इनको दिखना नहीं है ना, ठीक है? अरे आइए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बैठूंगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का आरएचए का टूर, जो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ